हेलो एवरीवन, गुल स्टडी पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। आगामी एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का नाम क्या रखा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, COVID-19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा WHO। अब दोस्तों WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनोन गेवेसिस। दोस्तों इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार COVID-19 में VI का क्या मतलब है? दोस्तों सही आंसर है इसका वायरस। दोस्तों कोविड के बारे में आपको बताऊं तो CO का मतलब है कोरोना और VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिसीज यानी कि रोग। और इसका 19 का मतलब है इसकी खोज, 2019 में इसकी पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर है दोस्तों हरियाणा। दोस्तों महामारी से मतलब है, दोस्तों महामारी घोषित करने से इनको ये राइट मिल जाता है 14 दिन तक ये मरीज को आइसोलेशन में रख सकते हैं, वरना ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी को 14 दिन तक रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 मिलियन यूएस डॉलर देने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। दोस्तों वर्ल्ड बैंक कब की स्थापना हुई थी अपनी? 1945 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविस मलफास। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कहाँ का होता है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन USD देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों 4। दोस्तों ABD इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों एशिया के लिए है और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है मनीला में, मनीला फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SAARC COVID-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितने USD देने की घोषणा की? दोस्तों अभी ये सम्मेलन हुआ था SAARC का, तो उसमें ये बनाया गया है SAARC COVID-19 इमरजेंसी फंड। तो उसके लिए सबसे पहले जो फंड दिया है वो भारत ने दिया है और वो दिया है 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है 2019 nCoV। इसमें n का मतलब है नोवेल।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, चार प्रकार का। आपसे पूछा जाए कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला होता है 229E अल्फा, और एक दूसरा होता है NL63 अल्फा दोस्तों, तीसरा प्रकार है HKU1 बीटा, चौथा प्रकार है OC43 बीटा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? इसका सही आंसर है क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट के आकार की दिखाई देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस संगठन के द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? इसका सही आंसर है दोस्तों WHO। दोस्तों WHO के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? दोस्तों सही आंसर इसका SS बासन। दोस्तों अगर इसमें सफल हुए तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों Instagram फीड। इंस्टाग्राम दोस्तों सोशल साइट है एक, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के वुहान शहर के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें किस शहर में हुई हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लंबाड़ी, ये इटली का शहर है, और यहाँ पर लगभग 4000 मौतें हो चुकी हैं। इसका रिकॉर्ड है एक दिन में 19 मार्च को यहाँ 475 एक साथ डेथ हो गए दोस्तों। इटली की राजधानी है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है कोवा पंजाब। दोस्तों वीडियो को पूरी देखें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फेफड़ा, श्वसन अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों आपने इससे बचने को इसके लक्षण पड़े होंगे तो उसमें बोला था सांस लेने में परेशानी, मतलब मुख्य यंत्र है, मुख्य अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? इसका सही आंसर है लैटिन भाषा से। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको लगता है कि चीन से शुरू हुआ है तो चीनी भाषा का शब्द होगा, नहीं, ये लैटिन भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स गठन किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है अपना देश भारत। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।